अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं कीमा बनाने जा रही हूँ। इधर हमने कीमा लिया है, 1 किलो कीमा है ये। इसको अच्छे से धो लिया है। इधर ये 5 प्याज काट लिया है, मीडियम साइज के, बारीक काट के रख लिया है। चलते हैं गाइस, बनाना शुरू करते हैं कीमे को। आप लोग बने रहना कंटिन्यू हमारे चैनल पर। देखिए गाइस, कीमा पकाने के लिए हमने कुकर चढ़ा दिए हैं। आज मैं कुकर में बनाऊंगी। कीमा ज़्यादा बारीक नहीं कटवाए हैं, थोड़ा मोटा कटवाए हैं। अब इसमें तेल डाल देती हूँ। अभी तेल हमारा थोड़ा गर्म हो गया। देखिए गाइस, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब प्याज को डाल देती हूँ। थोड़ी सी प्याज मैंने बचा लिया है, इसे बाद में डालूंगी। कीमा पकने के बाद आपको दिखाएंगे डालने के टाइम। इसको हल्का सा भून लेते हैं। इसको ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, हल्का सॉफ्ट हो जाए। प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है, इसको मैंने ज़्यादा गोल्डन नहीं किया है। अब कीमा को डाल देती हूँ। मिला देते हैं अच्छे से प्याज में। कीमा को मैंने डाल दिया है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ। अब इसे भून लेते हैं 2 से 3 मिनट अच्छे से, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन निकल जाए। उसके बाद में मसाले ऐड करूँगी। को हाई फ्लेम पे भूनना है। इसको 3-4 मिनट भून लिया कीमा को अच्छे से। अब इसमें कुछ खड़े मसाले ले लिया है, गरम मसाले, ये भी डाल देती हूँ। 3 छोटे साइज के तेज पत्ता है, 3 से 4। 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, 1 जोतरी का फूल है, 2 छोटी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च है, 3-4 लौंग हैं। हरी मिर्ची मैंने काट लिया है, 6 से 7 मिर्ची हैं, मोटी मोटी काटा है, इसे डाल दिया है। सारे पिसे हुए मसाले डाल देते हैं। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, ज़्यादा भर के चम्मच नहीं लिया, 1/2 चम्मच डाला है। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1/2 चम्मच ये गरम मसाला है। देखिए गाइस, सारे पिसे हुए मसाले डाल दिए हैं। 1 चम्मच जीरा पाउडर ले लिए हैं, ये भी डाल देती हूँ। अब इसे मसाले में अच्छे से भून लेते हैं। कीमे का जो पानी छूटा था सारा जल गया है, इसमें तेल सेपरेट हो गया है अच्छे से। नमक को डाल देती हूँ। देखिए गाइस, नमक मैंने डाल दिया है, 1.5 चम्मच डाला है, इतना बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हो, बाद में कम रह जाए तो चेक करके भी डाल सकते हो। अब इसे भून लेती हूँ। कीमा को अच्छे से भून लिया है 4 से 5 मिनट मसाले डाल के। 1 टमाटर काट लिया है, ऐसे मोटे मोटे टुकड़े में काटा है, डाल देती हूँ इसमें। ज़्यादा बारीक नहीं काटा है, क्योंकि कुकर में बना रही हूँ, कुकर में जल्दी ये गल जाएगा। थोड़ा सा दही डाल देती हूँ। टमाटर, दही, सारी चीज़ डाल के बनाओगी तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। मिला देते हैं अच्छे से दही और टमाटर, पूरे कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए गाइस, मैंने कीमा को भून लिया है बहुत अच्छे से। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, पूरा तेल छोड़ दिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ इसको गलाने के लिए। 1 गिलास हमने पानी लिया है, थोड़ा कम ही है, पूरा भर के गिलास नहीं है। डाल देती हूँ सारा पानी, 1 गिलास पानी डाला है। इसे मिला देते हैं अच्छे से। मैं 2 से 3 सीटी लगा लूँगी, बस कीमा हमारा गल जाएगा। कुकर में पकते हुए टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। देखिए गाइस, अब कीमा पे ढक्कन लगा देते हैं। कुकर में ढक्कन लगा दिया कुकर में, अब ये तैयार हो जाए फिर दिखाते हैं आपको। देखिए गाइस, कुकर के नीचे हमने गैस बंद कर दिया है, कुकर की स्टीम निकाल दिया है सारी। अब इसको खोल के चेक करते हैं। इसमें मैंने 4 से 5 सीटी लगाया है, पूरी 5 सीटी लगी है, क्योंकि कीमा हमारा थोड़ा मोटा मोटा कूटा था, इसीलिए बारीक होता तो 3 से 4 सीटी में हो जाता आराम से। ये बहुत अच्छे से गल गया है, तैयार है। अब इसमें जो हमने प्याज बचा के रखा था उसको डालती हूँ। देखिए गाइस, ये मैंने जो प्याज बचा के रखा था अब डाल देती हूँ इसमें, इसमें सॉफ्ट हो जाएगी।
चार से पांच साबुत हरी मिर्च ले लिया है, ये भी डाल देती हूँ। अब इसको मिला देते हैं अच्छे से। इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह। अब इसको थोड़ी देर और ढक देते हैं। कुकर का पूरा ढक्कन नहीं लगाना है, इसे ऊपर से रख देती हूँ ताकि प्याज और हरी मिर्ची जो मैंने डाला थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। इसमें सीटी नहीं लगाना है। देखिए गाइस, कीमा हमारा तैयार हो गया है। इसमें प्याज और हरी मिर्च जो मैंने डाला था अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर डाल देती हूँ। जीरा को मैंने भून के पीस लिया है, एक छोटा चम्मच डाल दिया है। कीमा हमारा बहुत ही टेस्टी बना है माशाल्लाह। आप लोग एक बार कुकर में ज़रूर बना के खाना गई, कुकर में बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको बनाने में टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, कोई भी बना के खा सकता है झटपट। अब ये तैयार है, अभी आपको दिखाते हैं हम सर्विंग करके। देखिए गाइस, कीमा हमारा बन के तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी बना है माशाल्लाह। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया आया है। मैंने कुकर में आज बनाया है, आप लोग ज़रूर बना के खाना गाइस एक बार, बहुत टेस्टी बनेगा कुकर में। वीडियो हमारी अच्छी लगी गाइस तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। मिलते हैं गाइस एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।